लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और सभी पार्टियों ने लगभग अपने सारे उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, तो वहीं इस देश में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां ना तो कोई पार्टी सभा करने जाती है और ना ही कोई उम्मीदवार वोट मांगने। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहाँ 120 गाँव ऐसे हैं जहाँ कोई भी पार्टी या प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं करता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राज्य के 120 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां के लोग आज भी नेताओं को देखे बिना ही उन्हें वोट कर देते हैं। आज़ादी के बाद से ही आज तक कोई सांसद इन गांवों में वोट मांगने नहीं पहुंचा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आने जाने में होने वाली समस्याएं। पहाड़ों के कारण इन गांवों में रोड कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिस वजह से नेताजी यहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। दरअसल पहाड़ पर बसे इन दुर्गम गांवों में मतदान से एक दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां पहुंच जाती हैं। वे मतदान केंद्र में ही रुकते हैं। वो लोग एक दिन पहले सभी मशीनों को चेक कर लेते हैं। मतदान कर्मियों को सख्त हिदायत होती है कि गांवों में किसी व्यक्ति से किसी तरह की व्यवस्था में सहयोग नहीं लेना है। नैनीताल के एक गाँव में लोगों ने बताया कि यहां 300 वोटर हैं। पोलिंग बूथ गाँव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। कार्यकर्ता जिस पोस्टर और बैनर से प्रचार करते हैं उसे देखकर ही हम वोट दे देते हैं। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में देश में 50 सीटें ऐसी थीं जहां मतदान 50% से कम हुआ था। इस सूची में 23वें स्थान पर अल्मोड़ा और 49वें स्थान पर गढ़वाल सीट रही थी। यहां मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता संदेश वाले पोस्टकार्ड लिखकर उन्हें भेजे जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहां प्रचार के लिए अधिकतम 15 से 20 दिन ही मिलते हैं, जबकि हर लोकसभा सीट करीब 250 किलोमीटर लंबी है। ऐसे में प्रत्याशी चाहकर भी गांव-गांव नहीं जा पाते हैं। यहां मतदान प्रतिशत भी हमेशा राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन लोगों को अपनी इस समस्या से समाधान कब तक मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।